देवास में हाटपिपलिया विधानसभा के कांग्रेस के विधायक मनोज चौधरी के भाजपा में शामिल होने के बाद अब उपचुनाव होना है। हाटपिपलिया से भाजपा मनोज चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाएगी। इस बात को लेकर पूर्व मंत्री और विधायक दीपक जोशी ने वक्तव्य दिया था कि मेरे लिए सभी विकल्प खुले हैं। इस बात को लेकर भाजपा खेमे में हलचल मच गई थी। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि दीपक जोशी उपचुनाव का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। इसी को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय चाय के बहाने दीपक जोशी के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां पर बंद कमरे में कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व मंत्री दीपक जोशी और पूर्व विधायक मनोज चौधरी से चर्चा भी की है। इस चर्चा को लेकर कैलाश विजयवर्गीय और दीपक जोशी ने खुलकर कोई बात नहीं कही है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि दीपक जोशी को मनाने को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय चाय पर चर्चा करने उनके निवास स्थान पर पधारे थे। देखिए, आज क्योंकि चुनाव का मामला है, इसलिए आपको ऐसा लगता होगा कि कैलाश जी मेरे घर आए हैं, क्योंकि इस दौर भोपाल से निकल रहे कितनी बार हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता होते हैं समय समय पर आते हैं, लेकिन कल परसों उन्होंने कहा था कि मैं इस दौर से देवास आना मेरी किसी काम से, तो आप देवास रहो तो मेरे को आना और चाय पीने आ रही मैं आऊँगा। बनाने की कोई कवायद नहीं है हमारी पार्टी की, पार्टी है चाहे कार्यकर्ता के रूप में बड़ा गवर्नमेंट छोटी मोटी कार्यकर्ता के रूप में काम करा रहे हैं, तो इस नाते से कोई मनाने की बात नहीं है। जो बातें कहीं हो जाती है गाय बगाए, उस बातों को सबका मुझे करना पड़ता है, उसको मैं जाके अगर नेतृत्व बुलाता तो हम करते नहीं। निकल खुल लेने का मतलब मैंने कहा था, किसी हमारे पत्रकार साथी ने पूछा था कि आपकी सीट पर मनोज चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने उनसे इतना कहा था कि बीजेपी वो पार्टी है जिसमें चयन की प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत पहले भोपाल से नाम जाते, भोपाल से कैंडिडेट देते हैं, उसको मोहर लगा देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, उनका नाम फाइनल हो गया, तो मैंने कहा उनका नाम फाइनल हो गया तो मेरे लिए विकल्प खुल गया। विकल्प होने से तात्पर्य ऐसा था कि मुझे पार्टी के दूसरी जगह काम देगी, या तो संगठन पर काम देगी, या अगर कहीं लगता है उनको उचित तो उस जगह मेरे को काम दिया जाएगा। अभी जो रुझान जो हमें पार्टी की तरफ से पता चला है कि कहीं ना कहीं देखिए समझौता तो पार्टी का 22 लोगों के साथ हुआ, ये तो आपने देखा। मंत्रिमंडल में स्थान भी कहीं ना कहीं उन्होंने चिन्हित करे। आज मंत्रिमंडल में भी दो साथी ऐसे जो विधानसभा में नहीं लेकिन विधान मंत्रिमंडल में है। पार्टी ने जो बातें कहीं ना कहीं उसके आधार पर तय की, उस आधार के कारण से हो सकता है कि ये 22 लोग जो सिंधिया जी के साथ आए हैं, अगर पार्टी ने उसे कहा है कि विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे तो हम आज विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। केला जी से क्या विपक्ष के तो हो ही नहीं गए। केला जी हमारे वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय नेता है, बंगाल के प्रभारी भी हैं। उनका मार्गदर्शन अगर हमको मिलता तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हाटपिपलिया उपचुनाव है, उपचुनाव की रणनीति को बनाने के लिए कहीं ना कहीं कवायद शुरू हुई है। उस कवायद में कुछ क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं को मैंने बुलाया था, मनोज चौधरी जी भी आपने देखा कि आए हैं, ऐसे दृष्टिकोण में कैसे कुछ प्रारंभिक शुरुआत हम लोगों की। दीपक जी का आदेश था तो मैं आया हूँ उनके पास, मनाने की ज़रूरत ही नहीं है। दीपक जी लोगों को मनाते हैं, दीपक को मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनसंघ की शुरुआत दीपक से हुई और दीपक के बिना भारतीय जनता पार्टी कितना नहीं हो सकती, इसलिए दीपक को मनाने की ज़रूरत नहीं। आप मायने निकालो, हमारे लिए तो एक ही मायना है कि दीपक जी हैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और दीपक जी, इसके अलावा कुछ मान्य। देखिए चुनाव है, चुनाव के बारे में कितनी जितनी आगामी चुनाव के संदर्भ में जितनी भी रणनीतिक चर्चा होती है वो सब लोगों से बैठकर 24 के 24। क्या चुनौती मानते हैं अभी इस चुनाव को आप? बिल्कुल नहीं। हाटपिपलिया से कौन होगा उम्मीदवार? इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कमल का बटन कब दबाए, क्योंकि पिछली बार कमलनाथ जी की सरकार ने जिस तरीके से हर वर्ग के साथ धोखा दिया, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, बेरोजगार नौजवानों को हत्या की बात की वो नहीं मिला, हमारे वो दूध उत्पादक जिनको कहा था कि हम दूध उत्पादन में प्रति किलो सुरक्षा की देंगे वो नहीं मिली, वे महिलाएं जो कि छूट में सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं उनसे कहा था कि उनके कर्जे माफ़ कर देंगे, वो माफ़ नहीं हुआ, बहुत सारे हर वर्ग के साथ धोखा किया, छलावा किया, ये सब लोग कांग्रेस को सबक देना चाहते हैं। देखिए आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक लोगों को संरक्षण देने के लिए था, किंतु उसके आड़ में जिस तरीके से देश विरोधी गतिविधियां पिछले दिनों सामने आई हैं तो आर्टिकल 30 के ऊपर समीक्षा होना चाहिए, और ऐसा क्यों कि सिर्फ उसका लाभ कुछ लोगों को ही मिले, यदि आर्टिकल 30 के अंतर्गत अन्य शिक्षण संस्थान भी आए चाहे वो बहुसंख्यक समाज के क्यों नहीं, तो उनको भी लाभ मिले। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।